नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य भारत में बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा, तटस्थ क्षेत्रों में चेतावनी जारी। आगामी दिनों में भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने के संकेत मिल रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में हुई दोगुनी बारिश ने राहत की उम्मीद दिलाई है। 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच राज्य में कुल 94 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर 47 मिलीमीटर बारिश होती है। इसके अलावा 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में करीब 10 गुना अधिक बारिश हुई, जिसके कारण नदी नालों में उफान हो रहा है। बरगी, तवा, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर, यशवंत सागर, सतपुड़ा, माचागोरा, पारस डोह, गंभीर और शिप्रा बांध के गेट खोलने पड़े हैं, जिससे पानी छोड़ा गया है। इसके परिणाम स्वरूप कई जगहों पर बाढ़ की सूचना जारी की गई है और सरकार ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके बावजूद मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि भारी बारिश से कृषि क्षेत्रों में सोखने के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार हो सकता है। इसके अलावा राजस्थान में भी मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है और राज्य के कई जिलों में तेज बारिश के चलते बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। इससे नदियों में जलस्तर बढ़ गया है, जिसका पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है। इस बरसात के साथ कई जिलों में फसलों की हालत खराब हो गई है और कई खेतीमारों को अपनी फसलों के बर्बाद होने का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण सरकार ने कई उपायों की ओर कदम बढ़ाया है, ताकि किसानों को इस बुरी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल सके। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भारत के कई राज्यों में और भी बारिश की संभावना है, जिससे अधिक से अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। कार्यवाही के लिए प्रशासनिक तैयारियों को बढ़ावा देते हुए यह महत्वपूर्ण है कि लोग सतर्क रहें और अपने सुरक्षा के उपायों का पालन करें, ताकि बरसात से आने वाली संभावित समस्याओं से निपट सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।